हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हीट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का जो मेथड था ना, हमने हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ा था, तो वो हम पढ़ चुके हैं ना। तो वो हीट एंड ट्रायल मेथड वाला जो हमने पढ़ा था ना, देखो एक चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं आ रहा है, इक्वेशन बैलेंस करने वाला जो हमने पढ़ा है, जो लेक्चर हमने लिया है ना, हमने जो लेक्चर लिया है, देखो अगर आपने नहीं पढ़ा वो हीट एंड ट्रायल मेथड वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। आप जाओ और हीट एंड ट्रायल मेथड वाला उसको वीडियो को जो लेक्चर है उसको ले लो, या वीडियो को दोबारा देख लो, 2 या 3 टाइम देखो विथ कॉपी एंड पेन लेके देखो, क्योंकि कॉपी और पेन में उसको नोट भी करते जाओ। हीट एंड ट्रायल मेथड अगर आपको नहीं आया है ना, देखो सिर्फ और सिर्फ हीट एंड ट्रायल मेथड अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आपको जो केमिकल के जो केमिस्ट्री के बाकी के चैप्टर है उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। हीट एंड ट्रायल मेथड तो आपकी केमिस्ट्री का बेस है, बेस। तो हीट एंड ट्रायल मेथड को तो घोट के पी जाना है, हम लोगों को क्या करना है, घोट के पी जाना है। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उस लेक्चर को दोबारा जाके देखो, हमारी प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, क्या है ना, उससे ही हमें समझ में आएगा जो केमिकल इक्वेशन उसको बैलेंस कैसे करना है, उसको बैलेंस क्यों करना है ना, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है, वो सब वहाँ हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने के बाद आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके अंदर हम क्या देखेंगे पता है आपको, ये केमिकल रिएक्शन जो कर रहे हैं ना, ये केमिकल रिएक्शन है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, होता क्या है केमिकल रिएक्शन के अंदर, क्या कुछ नया बनता है या जो है उन्हीं का रीअरेंजमेंट होता है ना, वो सब कुछ समझने वाले हैं। और जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसको आपके 10th क्लास में जो एनसीईआरटी की बुक है, तो एनसीईआरटी की बुक ने फाइव टाइप पे क्लासीफाई किया है, केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई किया है। तो जो फाइव टाइप में क्लासीफाई किया है ना तुम्हारे एनसीईआरटी ने, क्यों किया, बेस क्या है उसका क्लासिफिकेशन का, वो समझने वाले हैं हम, रटने वाले कुछ नहीं है। ऐसा नहीं सीधा सीधा बता दो, देखो ये उसका टाइप है, फाइव टाइप है, ये होता है, ये नहीं करने वाले हम लोग, है ना। हम क्या समझने वाले हैं, ये फाइव टाइप में क्लासीफाई किया तो उसका बेस क्या है, उनके जो नेमिंग है ना, उनका जो नाम रखा है, नेमिंग दिया है उनको, वो क्यों दिया है, हम वो भी समझने वाले हैं कि जो ये नाम दे रहे हैं ना, नाम क्यों दे रहे हैं, वो भी समझने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठना है आपको, मैं फिर बता रहा हूँ, आपके हाथ में कॉपी होनी चाहिए और पेन होना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट लगे वो आपको नोट करते रहना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो आपको नोट करना है और इजीली समझना है आपको। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, डे थर्ड और उसका पार्ट फर्स्ट जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, आज के लेक्चर में हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद उसका जो फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो पढ़ने वाले हैं, वो कंप्लीट करने वाले हैं आज, है ना। तो आप जो है कॉपी और पेन लेके साथ साथ नोट करते जाना है। मैं आपके लिए नोट्स भी लेके आया हूँ, यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखे हुए मिलेंगे आपको नोट्स, है ना। जो जो हम आप हमारा जो स्लाइड आगे से आगे जा रही है, यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए आपको नोट्स भी मिलेंगे, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल से, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ से भी आप चाहो तो नोट्स अपने डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ देखो, हमारे वीडियो का आने का टाइम फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं तो आप चाहो हमारी क्लास आपके लिए रेगुलर मिलती रहे आपको, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हमारी क्लास आए उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाए। अच्छा हाँ, इसके साथ ये भी ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, आप लाइक करोगे तो आपको और अच्छे अच्छे बड़े बड़े वीडियो मिलेंगे, है ना, बड़े बड़े मतलब और ज़्यादा टॉपिक कवर करने वाले वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है उस कमेंट में लिख दें, या जो नीचे पट्टी पे चल रहा है ना, नीचे पट्टी पे ये इस जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं मेरे, व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप कर दे या मेल कर दे, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है क्या चीज़, केमिकल रिएक्शन में होता क्या, मैंने कहा ना हम बेस समझेंगे, बेस। तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, मैंने कहा कुछ भी चेंज नहीं है। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में भी हमने यही देखा था, है ना, यहाँ पर भी क्या है कि जो एटम है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, किसी भी एटम में चेंज नहीं हो रहा है। एक एटम है, एलिमेंट का एटम है, वो किसी भी दूसरे एटम में चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। नॉट डू एटम डिसअपीयर, ना तो एटम डिसअपीयर हो रहा है और ना ही वो कहीं से अपीयर हो रहा है, समझ आ रहा है। नॉट डू एटम डिसअपीयर फ्रॉम द मिक्सर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से भी वो वापस अपीयर नहीं हो रहा, कहीं से प्रकट नहीं हो रहा, कहीं से नया एटम नहीं आ रहा है, ना एटम कहीं गायब हो रहा है, ना कहीं एटम डिसअपीयर हो रहा है ना। सॉरी, एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम
टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। क्या करते हैं, देखो मेन बेस आ गया, बस केमिकल इक्वेशन में क्या होता है उसका बेस यही है। मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, आप लोग किसको समझना, हाईलाइटेड करके मैं समझा रहा हूँ आपको। हाईलाइटर ले लेते हैं ना, ये लो हाईलाइटर। हाँ, इसका जो मेन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग, नहीं आ रहा है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ये जो रेड कलर में कर दिया ना मैंने आपके सामने, बस यही है केमिकल बिटवीन एटम्स। ये तो ये रेड कलर में क्या, बस यही है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। देखो समझना इसको, केमिकल रिएक्शन में बस यही होता है, बॉन्ड जो ब्रेक होंगे और न्यू बन, ओल्ड बॉन्ड जो होंगे वो ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड सिंथेसिस होगा, बस यही होता है केमिकल रिएक्शन में, और कुछ भी नहीं हो रहा है। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो ओल्ड बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो रहे हैं और न्यू बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब बॉन्डिंग का रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्डिंग इन केमिकल इक्वेशन, बस यही है। तो वो समझना है आपको, एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। पेन ले लेते हैं, वो भी वाइट कलर का लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा हम लोग। समझना, ये जो H2O है, H2O है ना, देखो कुछ इस प्रकार इसके अंदर बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से यहाँ से हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ से भी हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड है, ये रहा बॉन्ड, इसको बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। जब भी H2O की कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर कुछ नया बनेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से कुछ नया बनेगा। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बने हैं, ये बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही बॉन्ड है, ये वाला भी बॉन्ड है, ये वाला भी बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड सिंथेसिस होगा ना, यानी कि केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है। केमिकल रिएक्शन में सिर्फ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर ब्रेकिंग होता है, क्या होता है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग। क्या ब्रेक हो रहा है, क्या मेक और क्या मेकिंग हो रहा है, बॉन्ड्स, ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड्स। बात समझ आ रही है क्या आपको, बस यही हो रहा है और कुछ भी न्यू नहीं हो रहा है ना। तो केमिकल रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई। तो जितनी भी केमिकल रिएक्शन होगी, सारी सारी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप यही देखोगे कि जो एटम्स हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, जो भी जहाँ भी आपको पूरी केमिस्ट्री में जहाँ पर भी आपको केमिकल रिएक्शन होती हुई दिखेगी, सब जगह पर उसमें कहीं ना कहीं बॉन्ड ब्रेक होंगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड सिंथेसिस होंगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यू बॉन्ड सिंथेसिस होंगे, न्यू बॉन्ड बनेंगे। बात समझ में आ रही है। तो बस यही केमिकल रिएक्शन का बेस है, यही केमिकल रिएक्शन में आपको समझना कि केमिकल रिएक्शन में ये चीज़ होती है, ठीक है। आया क्या समझ में, तो हम जो फाइव टाइप क्लासिफिकेशन करेंगे ना केमिकल रिएक्शन को फाइव टाइप में, वहाँ पर भी यही होना है। उसी फाइव टाइप जो सारे के सारे टाइप में बॉन्ड ब्रेक ही होंगे और न्यू बॉन्ड बनेंगे। अब तो अब जो है जो ये केमिकल रिएक्शन है ना उसको फाइव टाइप में क्लासिफाई कर रहे हैं, उसका बेस क्या है वो समझेंगे, उसका क्लासिफिकेशन क्यों किया। जब सारे ही रिएक्शन के अंदर बॉन्ड ब्रेक होना है, नया बॉन्ड बनना है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है, फिर क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगी। खाली केमिकल रिएक्शन लिखा, केमिकल रिएक्शन में पढ़ लेते, फिर क्लासिफिकेशन क्यों किया वो समझो आप। देखो क्लासिफिकेशन क्यों हुआ, जो ये आपको सिंपल सी एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, देखो आपको एग्जांपल के रूप में कहा बॉन्ड ब्रेक एंड सिंथेसिस वाला, कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो हमने समझ रखा है कि 2H2, इसका मतलब ये होता है ये जो 2 और 2 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दोनों 2 मल्टीप्लाई होंगे, 2 × 2 = 4, यानी कि हाइड्रोजन कितने, 4 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे CO एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो था, इस कार्बन मोनोऑक्साइड ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया या हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की, है ना, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की, और बॉन्डिंग करने के बाद ये देखो कार्बन जो था, कार्बन में कुछ इस प्रकार बन गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ आकर अटैच हो गया, एक यहाँ पर आकर अटैच हो गया, एक यहाँ पर आगे अटैच हो गया। जो ऑक्सीजन था पहले वो ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन से भी एक हाइड्रोजन अटैच हो गया। इस प्रकार आपका जो ये फॉर्मूला CH3OH शॉर्ट में लिख दिया आपने, इस टाइप से बॉन्डिंग बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हुआ। जो पहले दोनों डिफरेंट ये अलग था, ये अलग था, इन दोनों को बॉन्ड रीअरेंजमेंट होकर ये दोनों एक हो गए। तो इस प्रकार केमिकल रिएक्शन के अंदर बॉन्ड बनते हैं और टूटते हैं। अब हम जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन करें ना, उसका कारण समझते हैं। अब समझो आप टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन क्यों हो रहा है, किस बेस पे हो रहा है, किस बेस पे हो रहा है,
वो सारा समझने वाले हैं। देखो हम जो भी बेसिक चीज़ें ना वो समझेंगे, हम रटेंगे कुछ नहीं, हम समझेंगे ताकि एग्जाम में हमें रटने वाला कंफ्यूजन ना हो। अगर हम रट के जाएंगे तो अपना जो ब्रेन है ना, ब्रेन ये कंफ्यूज हो जाएगा और एग्जाम के टाइम चलेगा ही नहीं। एग्जाम के टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार क्या था क्या था क्या था क्या था, बात समझ में आ रही है? और हाँ एक बात बताता हूँ मैं आपको यार, एक बात बताता हूँ, आप जो है ना साइंस के अंदर कुछ भी चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड करके सीख, एक दूसरे से रिलेटेड करके सीखो आप लोग, है ना। जैसे किसी के नाम से रिलेटेड कर लो, है ना, किसी के नाम से रिलेटेड कर दो, आपके फ्रेंड के नाम से रिलेटेड कर दो, है ना। तो एक दूसरे के नाम से रिलेटेड करके सीखो आप, तब जाके आपको ये चीज़ें इजीली लर्न होती। चलो समझो आप, आगे और समझूंगा मैं कैसे आपको साइंस में याद कैसे करना है वो मैं समझाऊंगा आपको। देखो साइंस को में कोई भी चीज़ याद करना बहुत ईजी है यार, साइंस याद करना बहुत ईजी है, साइंस समझना बहुत ईजी है, पर उसका मेथड आना चाहिए। मैं समझा दूंगा आपको, देखो वीडियो के अंदर मेरे साथ बने रहो, आपको आने वाले टाइम में कुछ ही टाइम में आपको समझ में आ जाएगा कि साइंस बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ईजी सब्जेक्ट है यार साइंस, है ना। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो 5 टाइप के अंदर क्लासिफिकेशन किया, उसका जो फर्स्ट टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से हमें क्या पता चला, कॉम्बिनेशन मतलब कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, कुछ ऐड हो रहा है। तो कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, बात समझ में आ रही है। तो मतलब इस रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ ऐड होगा। बेस समझो इसका, किस रिएक्शन, जितने भी इसके एग्जाम्पल होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या जो भी रिएक्शन जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, उसमें कुछ ना कुछ दो स्मॉल टाइप के मॉलिक्यूल होंगे वो ऐड होंगे आपस में और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाएगा। दो सिंपलेस्ट टाइप मॉलिक्यूल ऐड होंगे और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाएगा, यही होगा। सिंपलेस्ट टाइप मॉलिक्यूल ऐड हुआ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना, सिंपलेस्ट टाइप, दो सिंपलेस्ट टाइप मॉलिक्यूल ऐड हुए और एक प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो रिएक्टेंट तो 2 होंगे, प्रोडक्ट सिंगल होगा, बात समझ में आ रहे हैं। 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनसे कम होंगे, बात समझ में आई, यही होगा। तो इसलिए एक्चुअली साइंस बड़े मज़ेदार फनी लैंग्वेज, साइंस की लैंग्वेज बहुत फनी है यार, बहुत साइंस सब्जेक्ट भी बहुत फनी है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार। देखो इसके अंदर जो इसके जो वर्ड होते हैं ना साइंस वाले, उसी को 3 या 4 टाइम पढ़ने से वो वर्ड खुद ही हमें समझा देते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। कॉम्बिनेशन का वर्ड हमें, कॉम्बिनेशन को ही अगर 3-4 टाइम अगर पढ़ ले तो इसका मतलब ही हमें समझ में आ जाएगा कि कॉम्बिनेशन मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। उसके बाद सेकंड जो है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, कुछ ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है, बात समझ में आ रही ना। तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो 2 सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो 2 सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो डिकम्पोजिशन उसके लिए यूज हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कोई एक सिंपल मॉलिक्यूल एटम है वो किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में से कोई एटम को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह खुद लग जाएगा। कोई सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट एटम है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में से जो है उसका जो एटम उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पर खुद लग जाएगा, तो उसमें हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेस कर रहा है उसको, है ना। ये जब पढ़ेंगे तो डिटेल में हम लोग इसको भी समझेंगे। फिर आ जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि दोनों ही मतलब एक्सचेंज ऑफ एटम, दो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है दोनों में एटम का एक्सचेंज हो जाएगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, है ना, तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इस बार के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन मतलब 10th का जो आपका एग्जाम है ना उसमें हर एग्जाम के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट आया या इनडायरेक्ट आया, पर क्वेश्चन जरूर आता है यार रेडॉक्स रिएक्शन से। तो इसको भी हम लोग डिटेल में और अच्छे से समझने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन को भी, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि कॉम्बिनेशन मतलब कुछ सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो ऐड होंगे, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऐड होंगे। तो आपकी बुक की एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को लेकर हम समझते हैं, बुक की एक एक्टिविटी, उस एक्टिविटी से समझते हैं। देखो आपके पास एक बीकर है, खाली समझना है इसमें, एक एक बीकर, चलो यहाँ बीकर बना देते हैं हम आपको, ये बीकर ठीक है। इस बीकर के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या लेंगे भाई बोलो, कौन सा कलर लें यार, थोड़े बैकग्राउंड ऐसा लिया ना सिलेक्ट किया, तो कलर कुछ ऐसा लेते हैं जिससे आपको इजीली दिख जाए। हाँ तो इसके अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, क्या ले रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, अरे चूना चूना चूना, समझ आ गया ना लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, लाइम, क्यूक लाइम, है ना, पानी, बिना पानी डाला हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, क्यूक लाइम, है ना। हाँ
अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। अरे पहले आपने देखा ना, घर में कलीग करते थे, याद हो आपको, तो जब वाटर घर में कलीग करते थे, कलीग लाते उसमें पानी डालते थे, सेम वही प्रोसेस, और कुछ नहीं, वही कली वाला या चूने का घर बनता था, उसमें पानी डालते थे, बहुत ज़्यादा हीट निकलती रिलीज होती थी उसमें से, है ना, इतना अगर ज़्यादा पानी एक साथ ज़्यादा डाल दे तो जिसके जिस पोर्ट के अंदर रखकर हम उसमें पानी डाल रहे होते ना चूना, उसको ब्लास्ट कर देता था, इतनी ज़्यादा हीट निकलती थी, है ना। तो अब यहाँ पर भी यही वही है, लाइम है, चूना है ना, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, ये करें, पर स्लोली स्लोली ऐड करना है आपको, लेके फास्ट ऐड किया तो नहीं करना है, ठीक है। जब हम स्लोली स्लोली वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ एयर बबल भी बनेंगे बीच में, कुछ एयर बबल भी उठ रहे हैं, और होता क्या है, ये वाटर के साथ रिएक्शन, देखो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और ये रहा आपका वाटर H2O, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो देखो ये एक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल फर्स्ट है ना, यह कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ये सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, या एक मॉलिक्यूल है फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये दोनों ऐड हो गए, दोनों मॉलिक्यूल ऐड होकर बन गया प्रोडक्ट, रिएक्टेंट रिएक्टेंट दोनों ऐड होकर बना दिया प्रोडक्ट। तो मैंने क्या कहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू सिंपलेस्ट टाइप के जो मॉलिक्यूल होंगे वो ऐड होंगे और कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना देंगे, तो बन गया ना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, दो से एक बन रहा है ना, तो ये कॉम्प्लेक्स, सॉरी हाँ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गया ना यहाँ पे, कॉम्बिनेशन में यही तो देखा था हमने, यही तो देखा था हमने, अभी समझाया था ना आपको डिकॉम्बिनेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन में यही तो समझा था, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप हो गया ना, ये बात समझ आ रही है आपको। अच्छा हाँ, इस एक्टिविटी में अब क्या करेंगे, ये एक्टिविटी कर दी, अब इस बीकर को टच करके देखो क्या होता है, अरे बीकर को टच करके देखो क्या होता है, मैं कह रहा हूँ ना हीट रिलीज हो रही, तो भी टेम्परेचर में चेंजेस दिखेगा ही, ठीक है, 100% दिखेगा यार, टेम्परेचर में चेंजेस 100% दिखेगा। तो ये देखो, ये रिएक्शन हमने आपको नोट्स के फॉर्म में भी लाए हैं, आप चाहे तो नोट्स, इसको नोट कॉपी के अंदर नोट बना लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है। हाँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया आपने या नोट कर लिया, जो भी आपने किया, सुनो, कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, और क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन हमने समझ ली, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड था, ये सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड, इसने रिएक्शन किया वाटर के साथ, ऐड हो गया वाटर के साथ, ये दोनों ऐड होकर, दोनों ऐड हो गए, दोनों ऐड होकर क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अरे वाइट वॉश करते हैं ना दीवार को, वो यही है, जो वाइट वॉश करते हैं ना दीवार, वॉल पे, अपने घर पे वॉल्स जो हैं उसको वाइट वॉश करते हैं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही तो करते हैं वाइट वॉश, है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब देखो सुनो, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कमेंट हुए ना, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया, क्या रिएक्शन बोल सकते हैं हम, सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया डेफिनेशन बोल निकाल सकते हैं यहाँ से, रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, इज नाउन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी मैंने आपको बताया, ये तो चलो डेफिनेशन समझ में आ गई, अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आगे समझते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखा ना, जो वाइट वॉश करते हैं वॉल को, उसको समझो, उसकी डिटेल थोड़ी सी, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। होता क्या है कि हमने जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको वॉल वाइट वॉश कर दिया, तो एनवायरमेंट के अंदर जो CO2 होती है, तो CO2 गैस है एनवायरमेंट के अंदर, ये CO2 गैस से रिएक्शन करता है, क्या करता है, CO2 गैस से रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। और आपको पता है मार्बल का फॉर्मूला भी तो यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण, होगा क्या, आपकी जो वॉल है ना, क्या होगा, उस वॉल जो है उस पर शाइनी फिनिश आ जाएगी, कैसी आ जाएगी, शाइन, चमक आ जाएगी, फिनिश आ जाएगी, और चमक आ जाएगी, अच्छी दिखेगी, है ना। तो देखो, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लग, लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द
वॉल्स. कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म आफ्टर टू और थ्री डे, आफ्टर टू और थ्री डे ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव ए शाइनी फिनिश टू द वॉल्स, है ना. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल इज ऑल्सो CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3. तो आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाली रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको थोड़ा अच्छा से समझने की या याद करने की ज़रूरत है. अब सुनो दूसरे एग्जांपल और देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. देखो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तभी कार्बन है. ये कार्बन क्या है, कार्बन ये करता है ऑक्सीजन से रिएक्शन, और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर इसके क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड. क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है. बात समझ आ रही है. तो टू सिंपल मॉलिक्यूल मिलके एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंपल रिएक्टेंट मिलकर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है, ऐसे कैसे, ये हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस ये ऑक्सीजन से मिलता है, और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन दोनों मिलकर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर. वाटर बन रहा, वाटर. बात समझ आ रही है, वाटर बन रहा. तो ये भी टू सिंपल रिएक्टेंट और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, दोनों सिंपल मिलकर ए वन प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बात समझ आ रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का. अब देखो समझना, रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नाउन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज नाउन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अगर दूसरी लैंग्वेज, थोड़ा सा अदर लैंग्वेज में बोले, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डेट, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से डेट व्हेन टू और मोर सबस्टेंस, व्हेन टू और मोर, मोर देन टू सबस्टेंस, उसमें क्या है, एलिमेंट्स हो सकता है या कंपाउंड्स हो सकता है, कंबाइंड, कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, व्हेन टू और मोर सबस्टेंस कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल सबस्टेंस, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अभी एक चीज़ और सुनना, ये तो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन. एक्चुअली जो रिएक्शन होती ना, सारी रिएक्शन फाइव टाइप सब में सबकी बात कर, हम तो उनकी बात नहीं कर रहे, हम थोड़ा सा अलग बात कर रहे हैं. जो जो भी कॉमन बात कर रहे हैं सारी रिएक्शंस के लिए, जो रिएक्शन होती ना बेटा, रिएक्शन उस रिएक्शन को होने में कई बार क्या होता है, जब जैसे हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन करें तो उसमें से हीट रिलीज हो रही है. क्या हो रही है, उसमें से हीट रिलीज हो रही है, हो रही ना. तो और कभी कभी हम उस रिएक्शन को करवाने के लिए उसको हमें हीट देनी पड़ती है, बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, और कभी कभी उस रिएक्शन को करवाते हैं तो उसमें से हीट रिलीज होती है ना. तो उस हीट के रिलीज होना या हीट अपने को देनी है उसमें, उसके बेस पर रिएक्शन को हमने टू टाइप में डिवाइड किया. कितने, टू टाइप में. तो भाई यहाँ पर एक चीज़ समझना, यहाँ पर एक चीज़ समझना, एक वर्ड होता है एंडो और एक वर्ड होता है एक्जो. एंडो का मतलब होता है इन और एक्जो का मतलब होता है आउट. जहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिख जाना, सब जगह, लगभग सभी जगह पर इसका मतलब यही होता है, एंड और एक्जो का मतलब यही होता है, जहाँ जहाँ ये वर्ड आए. तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ भी एंडो वर्ड दिखे इसका मतलब इन, और जहाँ भी एक्जो वर्ड दिखे इसका मतलब आउट. ठीक है, आप चाहे तो इस एंड, जो एंडो का सेकंड नंबर एन है और इन का भी सेकंड एन है, इससे कोरिलेटेड करके याद कर सकते हैं. एक्जो का लास्ट ओ है और आउट का भी ओ है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं. ठीक है, एक जो थर्म वर्ड यूज होता है, थर्म, थर्मिक, एंडोथर्मिक में थर्म वर्ड यूज होता है, उस थर्म वर्ड का मतलब भी थर्मल वर्ड, जहाँ भी आई है थर्मल वर्ड, जहाँ भी थर्मल वर्ड आया मतलब हीट. बात समझ आ रही है. तो कुछ ऐसी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसको कंप्लीट कराने में हमें एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब वो एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, अंदर इन, अंदर ले रही है इन, तो उसे एंडोथर्मिक बोलेंगे. क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक. और अगर रिएक्शन होने में एनर्जी रिलीज हो रही है, आउट हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है, तो उस टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे एक्जोथर्मिक. वास्तव में आई क्या, डिटेल्स में देखेंगे इसको अभी आगे. समझना, देखो मैं समझाता हूँ. इन एक्टिविटी 1.4 जो हमने देखा था ना, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर वाली, उसमें लार्ज अमाउंट में हीट इवोल्व हो रही है, राइट. रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, देखो आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, हाँ आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सुनो, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज एलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक. एक्जो मतलब आउट, एक्जो मतलब आउट. नबी आपको बताया, एक्जो, एक्जो मतलब आउट, मतलब हीट क्या हो रही है, बाहर आ रही है. तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज मतलब आउट आ रही, बाहर आ रही है ना. हीट इज रिलीज एलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या कहेंगे, आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. ठीक है, आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. और इसके अपोजिट की अगर बात करें, जो सेकंड हमने समझाया, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, वहाँ तो हो रही थी रिलीज, या हीट इज एब्जॉर्ब, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब एलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. एंडो मतलब इन, एंडो मतलब इन. बात समझ में आई क्या आप लोगों को,
अरे बात समझ में आई क्या? कुछ समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो वीडियो। अरे समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक करो, हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन, जो वीडियो आए नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइम पे क्लास ले सके, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो सुनो, दूसरा कुछ एग्जांपल और देखते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। एक्जोथर्मिक रिएक्शन के कुछ और एग्जांपल से समझे तो, नॉर्मली जो मेथेन होती ना, CH4 मेथेन, अरे हमारे घर में जो गैस यूज करते हैं उसमें भी यही मेन कंपोनेंट होती है मेथेन। तो जो मेथेन है ना, मेथेन जलती है ना, मेथेन जो होती है वो जलती है। ये ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगी, ठीक है, तो क्या करेगी, मेथेन और ऑक्सीजन रिएक्शन कर CO2 क्या करेगी, CO2 बनाएगी, है ना, CO2, और उसके साथ में वाटर वेपर भी बनेगा, लेकिन इसके साथ में हीट रिलीज होगी। क्या हो जाएगी, हीट भी रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज हो रही है मतलब ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये जितना लिखा हुआ वो हटा देते हैं। सुनो, डू यू नो द रेस्पिरेशन कैसी है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है बताओ। अरे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज फूड के रूप में लेते हैं, फिर ऑक्सीजन उसमें मिलता है और ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, फिर एनर्जी का प्रोडक्शन करता है जिसका यूज हम करते हैं। अरे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं सब, एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? मैं बोलूँगा एनर्जी होगी तो बोलूँगा ना। बीच में कुछ वीडियो रुक गया, हमारे वीडियो नहीं आए क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, एनर्जी नहीं थी बोलने की, राइट। तो ऐसे कैसे, अगर हम में एनर्जी होगी तो हम बोलेंगे, तो एनर्जी आएगी कहाँ से, जो हमने फूड लिया उस फूड में से ग्लूकोज लास्ट में निकलेगा, ठीक है, और ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एनर्जी जनरेट करेगा, CO2 जनरेट करेगा, जो हम वापस रेस्पिरेशन के साथ बाहर निकाल देते हैं, आउट करते हैं, इन एक्सहेल में, इनहेल में अंदर लेते हैं, एक्सहेल में आउट करते हैं, तो CO2 आउट कर देते हैं और एनर्जी से हम हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे फंक्शन होते हैं वो फंक्शन करते हैं। तो रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना, एनर्जी रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी में। अरे भाई एनर्जी रिलीज हो रहा है, उसी एनर्जी का तो यूज़ कर रहे हो तुम लोग, ये लिखने में पेन से जो लिख रहे हो उसके यूज किस में कर रहे हो, उसका यूज किसका कर रहे हो, उसी एनर्जी का तो यूज़ कर रहे हो जो आपकी फूड से आपको मिली है। तो रेस्पिरेशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बात समझ में आ रही है। रेस्पिरेशन भी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे समझ में आ गया क्या? अरे आ गया हो तो ओके लिख देना कमेंट में, और नहीं आया हो तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लिख देना। आप ये टेंशन मत लेना कि आपके कमेंट कोई और देख रहा है, आपके कमेंट सब मैं ही देखता हूँ, है ना, दूसरों को परमिशन ही नहीं है आपके कमेंट पढ़ने की, तो आपके कमेंट दूसरा नहीं देखेगा। मैं उस कमेंट पढ़ने की परमिशन रोक रखी है मैंने, ताकि आपके कमेंट, आपने जो लिखे हैं उस कमेंट को आप और मैं, हम दो के अलावा तीसरा कोई नहीं देख सके। तो अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आप पूछना हो, आपको जो आपको समझ में नहीं आया, आप इजीली पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट में, और अगर वहाँ भी नहीं पूछना चाहें तो जो मेरे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है ना नीचे, व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप कर दें या मेल कर दें, मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है ना उसमें उसका आंसर दे दूँगा। तो क्वेश्चन आंसर वाला सेशन लेंगे ना हम हर चैप्टर के, तो उसमें जो है उसके जो आपके क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, ओके।